सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना EMIAS पोर्टल पर अपने विद्यालय का फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत अपने विद्यालय का फर्स्ट टाइम रजिस्टर EMIAS पोर्टल पर किस प्रकार करें। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो जारी की थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि इस पोर्टल पर आप अपने UDIS कोड को किस प्रकार वेरीफाई करेंगे। उस वीडियो के मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो उसी के लिए है कि EMIAS पोर्टल पर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक योजना पोर्टल पर आप अपने विद्यालय का फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है वो वीडियो जो मैंने एक वीक एगो यानी एक सप्ताह पहले जारी किया था कि EMIAS पोर्टल पर UDIS कोड को वेरीफाई कैसे करें। इस वीडियो पर मेरे पास अति ज़्यादा कमेंट आए हैं कि सर न्यू रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें, तो वो भी बताएं। तो आज के वीडियो में बता रहा हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें। आपको अगर इस वीडियो का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक स्क्रीन मिलेगी जिसके जरिए आप इस वीडियो का यानी इंस्पायर अवार्ड UDIS कोड को किस प्रकार वेरीफाई करें पूरा जान जाओगे स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके। बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको वेरीफाई करना है। इसके लिए हम जाएंगे गूगल क्रोम में और यहाँ जाकर टाइप करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने टाइप किया है EMIAS पोर्टल। अगर आप सिंपल टाइप करते हैं इंस्पायर अवार्ड मानक तो भी आ जाएगा। यहीं जो पहली स्क्रीन आ रही है यहीं पर हमें क्लिक कर देना है। ये देखिए मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। क्लिक करते ही हमारे सामने इंस्पायर अवार्ड मानक का ये पोर्टल ऑन हो जाता है। यहाँ देखिए, अगर आपको UDIS कोड वेरीफाई करने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ये लाइन चल रही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि UDIS कोड वही वेरीफाई कर सकते हैं जो पहले से रजिस्टर्ड है। जो विद्यालय पहले से इस पर रजिस्टर्ड है वही UDIS कोड को वेरीफाई कर दे सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हम जाएंगे यहाँ नीचे स्कूल अथॉरिटी पे। यहाँ देखिए ये स्कूल अथॉरिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होता है, वेलकम स्कूल अथॉरिटी पोर्टल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऑप्शन आते हैं फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर रीसबमिशन, फॉर OTR सबमिशन और सेव फाइल और टू लॉगिन। अगर आपको लॉगिन होना है तो यहाँ से हो लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये जो लिखा आ रहा है फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होता है जो ऑनलाइन मोड लिखा आ रहा है, यहीं पे हमें क्लिक करना है। यहाँ देखिए लिखे प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो टू फिल द फॉर्म। फॉर्म भरने के लिए कोई भी क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये फॉर्म ऑन हो जाता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्कूल अथॉरिटी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेलेक्ट स्टेट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, जैसे मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। आपका जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट कीजिए, ये स्टेट राजस्थान, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ लिखा है सेलेक्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर दीजिए। मैं कर देता हूँ जोधपुर। और उसके बाद जैसे जैसे आपके फॉर्म आके ऑन होता है तो अलग अलग ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तहसील, तालुक जो भी है वो सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ से जो भी तहसील है आपकी वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो आगे ऑप्शन आता है वो है एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भरें। नेम ऑफ द स्कूल वो सेलेक्ट कर दीजिए। फिर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, आपकी स्कूल का पूरा पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आता है पिन कोड, पिन कोड एरिया पिन कोड डालिए। फैक्स नंबर उपलब्ध है या ऑफिशियल फ़ोन नंबर है तो वो डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस ऑफ स्कूल ऑथोराइज ऑफिसर, यहाँ पे स्कूल ऑथोराइज ऑफिसर का ईमेल डालना अति आवश्यक है। अगर वेब एड्रेस उपलब्ध है तो वो भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर ऑफ स्कूल अथॉरिटी ऑफिस वो डाल दीजिए, ऑफिसर का यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी हेड मास्टर,
हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑथराइज ऑफिसर का डालिए। उसके बाद स्कूल कोड, यू डाइस कोड इफ एनी, यानी स्कूल कोड डालने हैं, यानी यू डाइस कोड आपको डालने हैं जो दस अंकों के हैं। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है वो यहाँ डालकर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन शुरू होता है, वो है लोकेशन डिटेल का। लोकेशन डिटेल के अंतर्गत आपको अपनी स्कूल की लोकेशन डालनी है, जैसे सिटी कौन सी है, स्कूल कैटेगरी कौन सी है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। उसके बाद लेवल ऑफ द स्कूल, यानी कहाँ तक स्कूल है, हायर सेकेंडरी है या सीनियर सेकेंडरी है, वो डालना है। उसके बाद नेम ऑफ प्रिंसिपल डालना है कौन है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का मैसेज ऑन होता है, उसको आपको ओके करना है, यानी सबमिशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली लिखा आएगा और ओके बटन पे क्लिक हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा ऑप्शन खुलेगा, वो है ब्रीफ अबाउट द स्कूल। यहाँ आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम और टू, यानी कहाँ से कहाँ तक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, वो भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, आउट ऑफ द एबो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 to 10th। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए उसके अंतर्गत आपको लिखने हैं क्लास 6 से लगा के 10 तक कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में। यानी जैसे जैसे आपके ऑप्शन आ रहे हैं वो आपको फिल करने हैं। नीचे आ रहा है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल, आउट ऑफ द एबो नंबर ऑफ साइंस टीचर कितने हैं। उसके बाद नीचे ये कैप्चा नज़र आएगा, वो डाल दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, वो डालकर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे जैसे आप सेव करते रहेंगे आपके सामने एक सक्सेसफुली का मैसेज आता रहेगा, आपको उसको ओके करना है तो आगे की डिटेल फिल हो जाएगी। डिटेल ऑफ द ऑथोराइज पर्सन हु हैज़ फिल्ड द फॉर्म, जो फॉर्म फिल कर रहा है यानी भर रहा है उसकी डिटेल है। नेम भरना है, डेजिग्नेशन भरनी है और कॉन्टैक्ट नंबर भरने हैं। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। भरने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, आपके मोबाइल पर भी एक मैसेज आ जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है, थैंक यू स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन कम्प्लीट सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन नंबर है आप हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि जब जब इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म भरे जाएंगे तो यही एप्लीकेशन आईडी काम में आएगी। आपके पास जो मोबाइल नंबर आएंगे, मोबाइल पे जो मैसेज आएगा वो ओटीपी डालने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ओटीपी नहीं भी आती है और डायरेक्ट ये लिखा आ रहा है तो भी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये है एडिट का ऑप्शन है, यानी नीचे आपके यहाँ फॉर्म आएगा एक, मैं आपको वो दिखा देता हूँ अभी। वो फॉर्म भी वो एडिट बटन आप पहले इस बार चेक कर लीजिए कि फॉर्म सही है या नहीं है। ये देखिए इस तरह का फॉर्म आपके सामने रहेगा, वो आप चेक कर सकते हैं। आप अपने स्कूल का नाम है, पिन कोड है या जो भी डिटेल आपके सामने शो हो रही है वो एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपने को लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है, बाई चांस आपसे गलत भरा गया है, तो यहाँ नीचे देख लीजिए आपके एडिट का बटन भी आएगा, ये एडिट का। इस एडिट के बटन द्वारा आप जो भी डिटेल आपने फिल की है उसको एडिट कर पाओगे, यानी सुधार कर पाओगे। ये पूरी डिटेल है। इसके बाद आपकी जो अगली डिटेल आएगी वो इंचार्ज डिटेल आएगी, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है वो इंचार्ज डिटेल, जो यानी स्कूल का फॉर्म जो आपने भरा है वो नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, मोबाइल नंबर जो आपने भरे हैं वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ पे एक मैसेज आता है फॉरवर्ड के लिए, अगर आप फॉरवर्ड कर देते हैं तो ऊपर आपके सामने एक मेल बॉक्स ओपन होता है, वो लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन, इसको आपको ओके करना है, फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो, यानी आपका फॉर्म पूर्ण रूप से सही है, अब आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोबारा आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ये देखिए ये इंस्पायर अवार्ड की तरफ से एक मैसेज है कि थैंक यू रजिस्ट्रेशन पर्सन हैज़ बीन कम्प्लीट एज द फॉरवर्ड, यानी मैसेज सक्सेसफुली हो गया है, आप इसको ओके कर लीजिए। तो और पार्टिकुलर के लिए यहाँ पूरा आपको वापस आपकी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा और यहाँ पे देखिए आपकी एप्लीकेशन आईडी भी नज़र आ जाएगी। इस एप्लीकेशन आईडी को हमेशा के लिए संभाल कर रखिए। इसी फॉर्म को दोस्तों जब आप नीचे करते हैं, स्क्रॉल को दबाकर यानी नीचे ले जाते हैं, तो आपको एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करने के लिए पूछा जाता है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार आपके पास मैसेज आएगा एक्नॉलेजमेंट का, यहाँ गेट द एक्नॉलेजमेंट, यानी आप रिसिप्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए।
तो आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंस्पायर अवार्ड की ओर से जो आपने डिटेल फिल करी है उसका एक्नॉलेजमेंट आपके सामने आ जाएगा। आप उसको भविष्य के लिए संभाल कर रखिए। ये एक्नॉलेजमेंट एक रिसिप्ट की तरह है, आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर दिया है। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद दोस्तों आपके मेल बॉक्स में यानी ईमेल आईडी आपने जो डाली है उसके ऊपर एक मेल मैसेज भी आएगा, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेल बॉक्स मैंने ओपन कर रखा है, वो इंस्पायर की ओर से आया हुआ है। एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए सबमिट सक्सेसफुली हो गया है, इसका एक मेल मैसेज भी हमारे को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत अपनी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।